वेलकम लर्नर्स, वेलकम टू न्यू प्लेटफॉर्म जिस पर कि मैं आपको नया दिखाई पड़ रहा हूँ। इट इज आकार IES। इट मीन्स हमारा जो लोगो है शेप योर फ्यूचर। अपनी जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि UPPCS में पेपर 5 पेपर 6 एक नया इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इस पर मैं पेपर 5 पेपर 6 में इकोनॉमिक्स के कुछ सेक्शंस को लूँगा। लेकिन उसके लिए पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम हेमेंद्र कुमार मिश्रा है, इन शॉर्ट वी कैन से इट इज HK मिश्रा। यहाँ पर आने से पहले आई हैव स्टार्टेड माई करियर, यानी कि मैंने अपने करियर की शुरुआत जो है DC, इट मीन्स डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट एंड DPC के रूप में की थी। मैं पंचायती राज विभाग के अंतर्गत जनपद चित्रकूट में मैंने इन दोनों पोस्ट पे काम किया है। और जो हमारा काम हुआ था ये तीन परियोजनाओं में मुख्य रूप से था, TSC टोटल सैनिटेशन कैंपेन, जिसे आप संपूर्ण स्वच्छता अभियान कहते हैं, उसके बाद NBA निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत हमने काफ़ी काम किया, और उसके बाद जो लास्ट में आया था SBMG स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, यानी कि ये जो रूरल सैनिटेशन से संबंधित ये हमारी परियोजनाएं चलती थी। इन परियोजनाओं में जनपद चित्रकूट में ग्रामीण स्वच्छता के स्तर पर काफ़ी लंबा काम मैंने किया, और उसके उपरांत विभिन्न संस्थानों के माध्यम से मैं प्रतियोगी परीक्षार्थियों को उनकी परीक्षा की तैयारी में मार्गदर्शन प्रदान करता रहा हूँ। इसमें मैं इसके पहले जो है संभव यशवी कैन पे अपनी क्लासेस करता रहा हूँ, और आप लोगों ने अन अकेडमी का नाम भी सुना होगा, अन अकेडमी पे भी हमारी क्लासेस होती रही हैं। और अब हम नया इस आकार IES पर अपनी क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। इसमें आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स में क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं पेपर 5 और पेपर 6 हमारा UP स्पेशल के बारे में है, तो थोड़ा सा आज हम लोग केवल आज हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, केवल बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास है। तो इंट्रोडक्शन के रूप में केवल इकोनॉमी ऑफ UP यानी कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में हल्का फुल्का अपनी जानकारी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, राइट। तो हेयर आवर टारगेट इज इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश। अब हम सीधे सीधे आपको इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ाना शुरू कर दें, और उसके बाद हम स्टार्ट कर दें डायरेक्ट फैक्ट्स देने लग जाए, तो फिर शायद आप लोगों को समझने में दिक्कत आने लग जाएगी और हमको समझाने में भी दिक्कत आने लग जाएगी। इसलिए आज हम लोग जो फैक्ट्स लेंगे, फैक्ट्स के साथ वो चीजें बेसिकली क्या हैं, कैसे हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग, भाई कभी भी आपने कहीं भी इकोनॉमिक बात की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसकी सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, हमें देखना होगा GDP। सो द इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश इज द थर्ड लार्जेस्ट ऑफ ऑल स्टेट्स इन इंडिया। द नॉमिनल GDP ऑफ स्टेट इज 24.39 लाख, यानी कि हमारी जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और 24.39 लाख करोड़ रुपए की ये हमारी अर्थव्यवस्था है। नाउ द क्वेश्चन दैट व्हाट इज GDP। अब यूपी से हम लोग थोड़ा सा अलग हटते हुए अपने GDP के बारे में बात करते हैं, तो GDP के बारे में देख लेते हैं। GDP क्या है, देखें हम डेफिनेशन ऑफ GDP, द टोटल मॉनिटरी और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री बॉर्डर इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड। यहां पर एक थोड़ा सा और गलत है कि यहां पर जो हमने बॉर्डर वर्ड लिखा हुआ है, इट इज डोमेस्टिक बाउंड्रीज, यानी कि किसी वित्तीय वर्ष में या किसी निश्चित समय सीमा में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित कुल अंतिम वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य को हम लोग उस अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद या GDP कहते हैं। नाउ द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ दिस टर्म, नंबर 1 मॉनिटरी, नंबर 2 मार्केट वैल्यू, थर्ड इज द फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज, एंड द फोर्थ इज द डोमेस्टिक बाउंड्री। अगर हम इन 4 चीजों के बारे में समझ जाते हैं तो हमें यह समझ में आ जाएगा कि ये GDP क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉनिटरी वैल्यू की बात कर ले, राइट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉनिटरी वैल्यू, अगर इस चीज के बारे में जानना चाहें तो सबसे सीधी सी बात हम ये कह सकते हैं कि हम जैसे भी
जिन भी चीजों का दाम, जिन भी चीजों की कीमत निकालना चाहते हैं, उस कीमतों को हम अगर मुद्रा यानी उस देश की मुद्रा के रूप में निकालें तो हम इसे मॉनेटरी वैल्यू कह सकते हैं। वैसे तो अगर हम इस मॉनेटरी वैल्यू शब्द को केवल हटा देते हैं तो क्या आ रहा है कि कुल उत्पादित वस्तुओं का मूल्य। अब वस्तुओं का मूल्य हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि हमने क्या किया, गेहूं 1,000 कुंतल, चावल, और इसी तरह से एक हम पूरी की पूरी लिस्ट बना लें और इस लिस्ट को हम कहें कि यह हमारी जीडीपी है। लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि अगर हम पूरे देश के लेवल पे, किसी पूरे स्टेट के लेवल पे या पूरे विश्व के स्तर पर बात कर रहे हैं तो इस लिस्ट से किसी भी प्रकार की तुलना करना, किसी भी प्रकार का इवेल्युएशन करना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो इन मुश्किलात से निपटने के लिए हम क्या करते हैं, इन सबको एक सिंगल क्राइटेरिया, जिस क्राइटेरिया को हम क्या करते हैं, अब बार्टर सिस्टम तो है नहीं ऑब्वियस बात है, अब हमारा जो मीडियम ऑफ ट्रांजेक्शन है वो होता है मनी, और हमारे देश की मुद्रा रुपए है, तो हम रुपए में अपना कैलकुलेशन करते हैं। सो फॉर द कन्वीनियंस ऑफ आवर कैलकुलेशन वी यूज द मॉनिटरी वैल्यू। क्लियर? नाउ द सेकेंड थिंग, अब क्या आ गया, फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज। ये बहुत परेशान करने वाली चीज हो जाती है। क्यों भाई, जब हमें गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू लेनी है तो हम गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू ले लें, क्यों हम बात कर रहे हैं कि क्यों हम इसमें कॉम्प्लिकेशन एक क्रिएट कर रहे हैं कि फिनिश्ड गुड्स एंड वैल्यूज लेते हैं। तो इस चीज को हम लोग एक उदाहरण से, एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, एक छोटे से उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम ब्लैक साइड लेते हैं और मान लीजिए हम अपनी अर्थव्यवस्था में ब्रेड को लेते हैं। ठीक, हमने कहा कि हमारी एक अर्थव्यवस्था है जो छोटी सी अर्थव्यवस्था है, और ये अर्थव्यवस्था केवल ब्रेड का उत्पादन करती है अपनी समझने की सहायता के लिए। तो ब्रेड का उत्पादन कैसे करेगी, कि ब्रेड के उत्पादन के लिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमें बनेगा गेहूं, क्योंकि बेसिक प्रोडक्ट है गेहूं। इस गेहूं से हम बनाएंगे आटा, आटे से आटा जब हमारा बेकरी में जाएगा तो बेकरी से हमारा ब्रेड जाएगा, और ब्रेड जब किसी रिटेलर के द्वारा मार्केट में बेचा जाएगा तो वो वास्तव में जो उपभोक्ता है उस उपभोक्ता के पास पहुंचेगा। तो एक साधारण सा उदाहरण हम ले लेते हैं कि अगर हमारे किसान ने उत्पादन किया 500 रुपए के गेहूं का, ₹500 के गेहूं का, और 500 का गेहूं जब चक्की से होकर के प्रोसेस होगा तो इस प्रोसेस के बाद ये ₹700 का आटा बन जाता है, और इस ₹700 के आटे के बाद जब ये ब्रेड बनता है तो मान लीजिए हमारा ये ₹900 का ब्रेड बन जाता है, और ₹900 का ब्रेड जब हमारा रिटेलर बेचता है तो ये ₹1,000 का बन जाता है। अब अगर हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे व्यक्तिगत स्तर पर बात करें तो गेहूं के उत्पादन करने वाले व्यक्ति ने ₹500 का उत्पादन किया, आटा का उत्पादन करने वाले की आय या इसका इसके द्वारा किया गया उत्पादन हमारा ₹700 का हो जाता है, ब्रेड का उत्पादन करने वाले व्यक्ति का उत्पादन हमारा ₹900 का हो जाता है, और रिटेलर का उत्पादन करने वाले व्यक्ति का उत्पादन ₹1,000 हो जाता है। अगर ये सब कहने लग जाएं कि भाई मैंने तो इतना उत्पादन किया यानी जीडीपी में मेरा इतने का कंट्रीब्यूशन है, तो हम इन सबके कंट्रीब्यूशन को जोड़ लें तो हमारा 900 टोटल आ जाता है ₹2,100। लेकिन यहां पर देख करके एकदम साधारण तरीके से भी अगर हम देखें तो क्या देखने को मिलता है हमको, ये देखने को मिलता है कि चीज तो एक ही है, वही चीज बारंबार बारंबार प्रोसेस हो रही है। तो इसी दोहरीकरण से बचने के लिए हम अपनी जीडीपी में क्या शामिल करेंगे, केवल हमारी जो अंतिम वस्तु है यानी जीडीपी में हम केवल इस ₹1,000 को शामिल करेंगे। क्लियर एवरीबॉडी? चलिए, ये तो हमारी एक चीज होगी। अब हम थोड़ा सा इसको इरेज करके अपनी जो फिर से डेफिनेशन पे आ जाएंगे, और उस डेफिनेशन की अगली चीज जिसे हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक बाउंड्री, डोमेस्टिक बाउंड्री के बारे में डिस्कशन करना शुरू कर देंगे। राइट, सो हमारा जो नेक्स्ट आइटम था, नेक्स्ट आइटम क्या था, नेक्स्ट आइटम इज द कंट्रीज डोमेस्टिक बाउंड्री। एक और कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे बहुत बड़ी चीज, कि हम कैसे डिफाइन करके व्हाट इज आवर डोमेस्टिक बाउंड्री, किस चीज को हम अपनी डोमेस्टिक बाउंड्री में लें और किस चीज को अपनी डोमेस्टिक बाउंड्री में ना लें। तो जनरली एक आदमी क्या कहता है, एक जनरल सेंस ये लगा लेता है कि जो भी हमारे देश की सीमा है उस सीमा के अंदर किया जाने वाला उत्पादन हमारे देश की जीडीपी में आएगा।
लेकिन आप सभी लोगों को यहाँ पर ये बात बहुत ध्यान दे लेने की जरूरत है कि हमारी जो ये घरेलू सीमा है, या जिसे हम डोमेस्टिक बाउंड्री कहते हैं, ये थोड़ा सा हमारी भौगोलिक सीमा या फिजिकल बाउंड्री से अलग होती है। तो हमारी डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर पांच चीजें आ जाती हैं। पहली तो हमारी फिजिकल बाउंड्री, यानी जिसे आप अपनी भौतिक सीमा कहते हैं, और फिजिकल बाउंड्री से हमारे यहाँ पर मैंने कहने का सीधा सीधा तात्पर्य है कि फिजिकल बाउंड्री विथ द सी लिमिट्स, यानी समुद्री सीमा सहित। ठीक। दूसरी चीज क्या आ जाएगी? राज्य के नागरिकों द्वारा दो या दो से अधिक देशों में, टू और मोर कंट्रीज में, चलाने जाने वाले शिप्स यानी वायुयान या जलयान। तो दो या दो से अधिक देशों में चलाने वाले, राज्य के नागरिकों द्वारा दो या दो से अधिक देशों में चलाए जाने वाले जलयान या वायुयान सेवाओं से जो भी उत्पादन होता है, वो हमारी जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत आता है। तीसरी चीज, मछली पकड़ने की नौकाएं यानी शिपिंग, एंड जो हमारा इंटर शिपिंग और साथ ही साथ हमारी जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, कौन से? ऑयल प्लेटफॉर्म, ऑयल प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं, ये कौन से? जो हमारे इंटरनेशनल बाउंड्री में वर्क कर रहे हैं, यानी कि इस राज्य के नागरिकों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में जितने भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स या फिशिंग एक्टिविटीज होती हैं, वो सारी की सारी एक्टिविटीज हमारी जीडीपी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। इसके अलावा जो एक चौथी चीज आती है, वो ये क्या आती है? वो आती है हमारी दूतावास और सैनिक अड्डे, और साथ ही साथ वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्शियल दूतावास, यानी कि जो हमारी वाणिज्यिक दूतावास होते हैं, इन दूतावासों पे होने वाला आय या व्यय, यानी कि इनके ऊपर किया गया, इनके द्वारा किया गया कोई भी उत्पादन हमारी सकल घरेलू सीमा यानी कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास में जीडीपी के बारे में इतना ही, तो आपको संभवतः समझ में आ गया होगा कि ये जीडीपी क्या है। जीडीपी के साथ एक और कुछ चीजें आपको बहुत परेशान करती हैं, जैसे जब भी हम राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम के बारे में बात करने लग जाते हैं, तो बहुत सारी सीरीजेस हमको दिखने लग जाती हैं, जीडीपी, एनएनपी, एनडीपी, जीडीआई, एनडीआई, मतलब एक बहुत सारे शब्दों, बहुत सारे अक्षरों का एक कॉम्बिनेशन दिखने लग जाता है, जिसके बारे में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। इस कंफ्यूजन के बारे में अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लियर करते रहेंगे। चलिए फिर से आ जाते हैं अपने उत्तर प्रदेश पर वापस। जीडीपी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश हैज एन अर्बन पॉपुलेशन ऑफ 4,94,95,063 अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट। 22.76% ऑफ उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरिया। तो दो उत्तर प्रदेश में शहरी आबादी जो है 4,44,95,063 है, और 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की लगभग 22.76% जनसंख्या आपकी शहरी इलाकों में रहती है। यूपी जो आपका करंट यूपी है, आपका ये करंट यूपी 2000 सन 2000 में अस्तित्व में आया, जबकि आपके अविभाजित उत्तर प्रदेश से उत्तर
उत्तराखंड को अलग कर दिया गया और हमारा वर्तमान यूपी, वर्तमान उत्तर प्रदेश इस स्थिति में आया। आफ्टर पार्टीशन इन 2000 उत्तराखंड स्टेट्स कार्व्ड आउट इट द न्यू उत्तर प्रदेश स्टेट प्रोड्यूस 92% ऑफ द इकोनॉमिक आउटपुट ऑफ द ओल्ड उत्तर प्रदेश स्टेट। तो 2000 में विभाजन के बाद जो हमारा नया उत्तर प्रदेश है ये पुराने उत्तर प्रदेश की आर्थिक उत्पादन का लगभग 92% का उत्पादन करता है। और योजना आयोग के वर्ष 2011-12 के अनुमान के अनुसार राज्य की कुल आबादी का 29.4% हिस्सा जो है ये गरीब है। हालांकि NFHS 4 2015-16 के आधार पर जो कि नीति आयोग की अद्यतन रिपोर्ट है, नीति आयोग की लेटेस्ट रिपोर्ट है, यूपी में 37.79% की जनसंख्या गरीब पाई गई है। अगर हम बात करें कुछ बेसिक फैक्ट्स की तो करेंसी इंडियन रुपीज है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है और ये हमारे डेवलपिंग इमर्जिंग या लोअर इनकम इकोनॉमी के अंतर्गत आती है। और ये कुछ आपके और फैक्ट्स दिए हुए हैं कि जीडीपी है 24.39 लाख करोड़ रुपीज, जीडीपी रैंक 4th है, जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज हमारी 2023-24 में एस्टिमेटेड ग्रोथ 19% की है, जीडीपी पर कैपिटा इंक्रीज 69,351 में है, जीडीपी पर कैपिटा रैंक यूपी की 28th है, पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन में हमारा जो है 38.43% हो, इसमें हमें पॉजिटिव क्रीज दिखाई दे रही है। मेन इंडस्ट्रीज यूपी की हमारी एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फार्मिंग, फिशिंग, पॉटरी, गोल्ड मार्केट, ब्रास इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, आईटी कंसल्टेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, गारमेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री एंड अदर्स हैं। तो आज की क्लास में बस हम इतना बेसिक इंट्रोडक्शन ही लेंगे, आगे की चर्चाएं जो हैं ये हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे, जिसमें अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए अपने यूपी के बारे में जानकारी लेंगे और साथ ही साथ जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी कवर अप करेंगे। सो फिर आप लोगों से मिलने के लिए थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, हैव अ गुड डे एवरीवन। हाँ, एक बात तो बोलना भूल ही गए जो सबसे ज्यादा कही जाती है, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, हैव अ गुड डे।